एक दिसंबर को मतगणना उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में बीते 1 दिसंबर को मतगणना स्थल पर पत्रकारों के ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। पत्रकारों को बर्बरता पूर्वक पीटा भी गया था, जिसमें देवरिया के वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश पांडे, अनिल राय और भाजपा नेता को भी गंभीर चोटें आई थी। अब पत्रकारों ने पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। सुनिए क्या कहना है पीड़ित पत्रकार प्रवीण यादव। आपको उठा के लेके जाएंगे। जब मैं कहा कि रात्रि में जब अपना न्यूज संकलन के बाद अपने घर पे बैठा था, अपना न्यूज टाइप कर रहा था भेजने के लिए कंपनी को, तो 10:30 बजे करीब में सिविल ड्रेस में लगभग दर्जनों लोग हमारे घर पे आए, जैसे लूट की नीयत से आए, और 3 गाड़ियां लगी थी हमारे घर से कुछ दूरी पे, और आते ही हमारे घर में घुस गए। घुसने के बाद बोल रहे हैं कि मैं फलाना बोल रहा हूँ और मेरे साथ चलना है। मैंने पूछा कि किस क्या क्यों चलना है मेरे साथ, तो इन्होंने एक भी बार नहीं बताया कि आपका जुर्म क्या है क्या नहीं है। कह रहे हैं मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ और आपको एसपी ने बुलाया है, डायरेक्ट एसपी के आर्डर पर हम लोग आए हैं और आपको उठा के लेके जाएंगे। जब मैं कहा कि कोई अगर आदेश हो तो मुझे दिखाइए, तो कोई आदेश नहीं दिखाया गया। मैंने कहा कि मैं एक कथित पत्रकार हूँ और मैं साधना प्लस का ब्यूरो चीफ देवरिया मैं देखता हूँ देवरिया से साधना प्लस को, लेकिन उसके बाद भी नहीं सुना गया और कहा है कि आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता करते रहिएगा, लेकिन हमारे साथ चलिए। ज़बरदस्ती हमको बदसलूकी करते हुए लेके कोतवाली तक आया गया। रात भर मुझे मानसिक प्रताड़ना देते हुए बोला गया कि आप यहीं बैठेंगे और रात भर बैठेंगे, जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे तब तक नहीं जाएंगे। और पूरी पूरी जो जानकारी मैंने उनसे लेना चाहा, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दिया कि किस जुर्म में मुझे उठाया है। यहाँ तक कि मैंने रात को अपने मोबाइल से ट्वीट भी किया उच्च अधिकारियों को, लेकिन उच्च अधिकारी चुपचाप सोए रहे, कोई जवाब नहीं दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबह लगभग 10 बजे के करीब जब CO CT जब आए कोतवाली में, उनके द्वारा देखा गया कि मैं जब वहाँ बैठा था, फिर थोड़ी देर के बाद कुछ आपस में कहा सुनी करने के बाद मुझे वहाँ से छोड़ा गया। कितने बजे छोड़ा गया? लगभग वही 12 बजे के करीब में मुझे छोड़ दिया गया। तो सुना आपने कि कैसे पीड़ित पत्रकार प्रवीण यादव ने पुलिस की करतूत के बारे में बताया। आप सुनिए क्या कहना है मतगणना स्थल पर लाठी चार्ज में घायल हुए पत्रकार चंद्र प्रकाश पांडे का। 1 दिसंबर को मतगणना के दौरान लाठी चार्ज हुआ था, मेरे सर पे गंभीर चोटें आई थी और कुछ पुलिसकर्मियों ने लूटपाट तोड़फोड़ किया था। इसको मैंने ADM प्रशासन के यहाँ जाके बयान वगैरह दर्ज कराया, उसके बाद से शुरू हुआ है पुलिस का ये खेल। पुलिस के लोग जितने मेरे शुभेच्छु और शुभचिंतक पत्रकार हैं उनको पकड़ पकड़ के मुझ पे प्रेशर बना रही है कि मैं वांछितों के खिलाफ कोई कार्यवाही ना करूं। यहाँ तक कि मुझे ये भी पता चला है सूत्रों से कि 20 से 25 पत्रकारों को पुलिस एक एक करके उठाना चाहती है और फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहती है, और किसी पत्रकार के साथ कोई भी अहितकारी घटना घटित होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी जनपद के पुलिस के उच्चाधिकारियों समेत संबंधित कार्यवाही में जाने वाले पुलिसकर्मियों की होगी। आगे SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।